हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों, जब हम बात करने वाले हैं फिर से यहाँ पे वोडाफोन आइडिया में। यहाँ पे आज भी तीन धमाकेदार खबरें वोडाफोन आइडिया में निकल करके आ रही है। कल भी तीन खबरें थी और यहाँ पे मैंने लेवल टारगेट बताया था तो वो बिल्कुल टारगेट अचीव हो चुका था। और यहाँ पे जो काफ़ी दिनों से हडल था, मैं बताने की कोशिश कर रहा था, वो हडल था 8 रुपये 70 पैसे के आसपास का, उसको आज फाइनली ब्रेक किया है और उसके आसपास ही क्लोजिंग देने की कोशिश करी है। 3% की अपर यहाँ पे क्लोजिंग दी है, 8 रुपये 75 पैसे का आसपास का हाई बनाया। और कल अभी देखना होगा कि 8 रुपये 70 पैसे का जो लेवल है, जो कि काफी दिनों बाद तोड़ने में कामयाब रहा है, उसको वो सस्टेन कर पाता है कि नहीं। अगर सस्टेन कर लेता है तो 9 रुपये के लेवल हमें जल्दी से, हो सकता है इस वीक में ही हमें देखने को मिले। तो आपको यहाँ पे अपनी निगाह है पूरी तरह से गड़ा करके रखनी है। आज जिस तरह की खबरें निकल करके आ रही है वो अपने आप में बहुत बढ़िया खबरें हैं और इसका पॉजिटिव असर बिल्कुल वोडाफोन आइडिया में होना चाहिए। यहाँ पे सबसे पहले कारोबार की डिटेल आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसके लिए मैं आपको NSE की वेबसाइट पर लेके आया हूँ। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 8 रुपये 70 पैसे पर क्लोजिंग हाई बनाया, 8 रुपये 75 पैसे लो, 8 रुपये 45 पैसे। यहाँ पे देखिए क्वांटिटी 10,75,39,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 3,74,27,000 शेयर की डिलीवरी। और यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिलीवरी लगभग लगभग देखे तो 35% के आसपास की दिखाई दे रही है। तो कारोबार अपने आप में बहुत बढ़िया है। तीन खबरें हैं, उसको वन बाय वन आपके सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहली खबर टेलीकॉम टॉक की वेबसाइट के ऊपर, वोडाफोन आइडिया जियो एंड एयरटेल रेडी टू प्रोवाइड सीमलेस कनेक्टिविटी। सीमलेस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी इंटरप्ट के बिना एकदम स्मूथ कनेक्टिविटी वो यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए बिल्कुल रेडी है ये तीनों कंपनी। इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन है ये है कि अभी हाल फिलहाल में यहाँ पे स्पेक्ट्रम की ऑक्शन हुई थी, जिसके बाद यहाँ पे भारत सरकार ने सबको स्पेक्ट्रम प्रोवाइड कर दिया है। अभी इसी स्पेक्ट्रम का यूज करके अब यहाँ पे वो अपने कस्टमरों को बहुत ही बढ़िया सीमलेस कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे और इसके चलते उनके जो यूजर्स है उसको और भी बढ़िया लाभ होगा, बढ़िया एक्सपीरियंस होगा इनकी सर्विस लेने के लिए। और इसके चलते इनके जो कस्टमर बेस है वो आगे बढ़ने की पूरी संभावना है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। तो आप भी रेडी रहिए, अगर आपके पास वोडाफोन आइडिया का कार्ड है या तो फिर जियो का भी कार्ड है या तो फिर भारतीय एयरटेल का कार्ड है, तो आपको पहले से बेहतर सर्विस मिलने वाली है, ऐसा यहाँ बताया जा रहा है। तो अच्छी खबर है तीनों कंपनियों के लिए। दूसरी खबर आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। तो दोस्तों, दूसरी खबर पे लेके आए हो यहाँ पे टेलीकॉम Q3 AGR over 4% in FY Q3 TRAI। TRAI की तरफ से डाटा निकल करके आया क्वार्टर थ्री के नंबर का, मतलब कि नंबर क्या है कि AGR कितना किन कंपनियों में पे गया है और यहाँ पे AGR पहले के मुकाबले बढ़ा है या घटा है। AGR का पूरा पूरा सीधा सीधा यहाँ पे कनेक्शन ये है कि अगर जो कस्टमर है यहाँ पे पर्टिकुलर कंपनियों की बात कर रहा जा रहा हूँ, यहाँ पे वोडाफोन इंडिया, भारतीय एयरटेल और यहाँ पे जियो, जो कि मेन तीन कंपनी यहाँ टेलीकॉम की, उनके यूजर यहाँ पे कितना यूज कर रहे हैं अपनी उनकी सर्विसेज को, इसके ऊपर लाइसेंस फी होती है और लाइसेंस फी एज AGR के तौर पे यहाँ पे कंपनियों को TRA को पे करनी होती है। तो यहाँ पे लाइसेंस फी में 4% की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये जो यूजर्स है वो डाटा और यहाँ पे बात करें कॉल की और सर्विसेज की ज्यादा यूज कर रहे हैं, जिसके चलते इसकी कंपनियों के रेवेन्यू में तो बढ़ोतरी हो ही रही है, साथ ही साथ इसके चलते AGR का भी यहाँ पे परसेंटेज ज्यादा निकल कर गया है, मतलब कि TRA को ज्यादा AGR मिल रहा है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि कंपनियों को ज्यादा लाभ भी हो रहा है। यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है कि रिलायंस जियो के रेवेन्यू में बात करें तो 8% के आसपास की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो कि 17,181 करोड़, जबकि भारतीय एयरटेल की बात करें तो में भी 5.5% के आसपास की रेवेन्यू में जंप आई है, 11,340 करोड़, जबकि वोडाफोन आइडिया में भी यहाँ पे जंप आई है 2.37%, 6,588 करोड़। तो यहाँ पे तीनों जो मेजर कंपनियां हैं तीनों में यहाँ पे बढ़ोतरी देखी गई है AGR को लेकर के। तो ये अपने आप पे बहुत ज़्यादा अच्छी खबर है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली मेन तीन कंपनी है उसके जो कस्टमर है उसकी सर्विसेज ज़्यादा यूज कर रहे हैं और इसका पूरा पूरा लाभ कंपनियों को मिलने वाला है। तीसरी और आखिरी खबर भी आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा। क्रिसिल की तरफ से ये रिपोर्ट निकल कर के आ रहा है कि 4G सब्सक्राइबर बेस है वो FY 2022 में 820 मिलियन हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जो 2G सब्सक्राइबर है, 3G सब्सक्राइबर है, वो भी यहाँ पे 4G को अपना लेंगे आगे जा करके, जिसके चलते अगर आप 4G अपनाते हो तो आपका कहीं ना कहीं डाटा स्पीड तो ज़्यादा कंज्यूम होता ही है, और इस अगर आप डाटा ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तो इसका सीधा सीधा फायदा
कंपनियों को मिलेगा। तो ये क्रिस्टल ने सिंपली बताया है कि तीनों कंपनियां जो मेजर प्लेयर है, फिर से बताना चाहूंगा, वोडाफोन आइडिया, भारतीय एयरटेल, जियो, और तीनों के रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी आ सकती है FY22 तक, क्योंकि यहाँ पे जो 4G के सब्सक्राइबर बेस है वो बढ़ करके 820 मिलियन होने की संभावना है। तीनों बढ़िया खबर थी, तीनों बढ़िया रिपोर्ट थी। अभी हम सीधा चार्ट पे जाएंगे और लेवल टारगेट कल के लिए देखने की कोशिश करेंगे। फाइनली जिस बात का इंतजार था, यहाँ पे देखिए रेंज थी, उसको तोड़ के अभी ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी देना चालू कर दिया है। अभी बात करें 8.75 रुपये और यहाँ पे 8.60 रुपये के बीच आपको कल ट्रेडिंग नहीं करनी है, क्योंकि अभी 8.60 रुपये के आसपास बढ़िया बेस बन चुका है। मुझे लगता है वहाँ पे बिल्कुल सपोर्ट रहना चाहिए। तो अगर आप 8.75 रुपये के ऊपर कल बाइंग करते हो तो आपका SL 8.60 रुपये के नीचे रहना चाहिए। आपके लिए टारगेट 9 रुपये का, और अगर 9 रुपये जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल है वो टूटा तो और भी हाई लेवल देखेंगे, पर हम पहला टारगेट 9 रुपये लेकर के ही चलेंगे। नीचे की तरफ बात करें, 8.60 रुपये टूटा तो फिर से 8.35 रुपये आ सकता है, और इसके नीचे 8 रुपये तो है ही, जो कि मैं काफी बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। RSI का लेवल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो चला है, 56 का दिखाई दे रहा है, तो RSI का लेवल भी स्ट्रॉन्ग इनफ मजबूत दिखाई दे रहा है। तो मैं चाहूंगा आप यहाँ पे लेवल को स्टडी करिए, उसके बाद अपनी कोई डिसीजन लीजिए पोजिशन बनाने का। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ बताना चाहूंगा, जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया या तो फिर करवाना चाहता है, वो यहाँ पे मेरी दी गई लिंक से अकाउंट ओपन करेगा तो मेरी तरफ से उसको एडिशनल हेल्प मिलेगी। मेरी जो प्राइम चैनल है उसमें उनको जगह दी जाएगी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन बिल्कुल दबाइए। मिलते हैं अगले और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।